हेलो एंड वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर के टेस्टी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम आईवी गोर्ड और कुंद्रू की सब्जी बनाना सीखेंगे। इसे हम ओडिया में कहते हैं कुंद्रू संतला। तो सबसे पहले कढ़ाई को हाई हीट पे गरम करके 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल गरम कर लें। मस्टर्ड ऑयल को तब तक हीट करना है जब तक उसमें से धुआं ना उठने लगे, और इसमें हम मस्टर्ड सीड 1/4 टीस्पून डालेंगे। जब मस्टर्ड सीड्स तड़कने लगे तो आप इसमें एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस करके डाल दें। देखिए इस तरह से लंबे टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालकर आपको भूनना है। प्याज इतना फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए, कुछ इस तरह से। ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है क्योंकि ये फिर पकेगा सब्जियों के साथ। तो यहाँ पर मैंने कुंद्रू और एक आलू मीडियम साइज का लिया है। मैंने कुंद्रू यहाँ पर 250 ग्राम्स लिया है, जिसको इस तरह से पतले और लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। पहले बीच में से कट करके फिर उसे पतले पतले स्लाइस कर लें। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार, हल्दी 1/4 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून फुल डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें हाई हीट पर ही इसको मिक्स करना है ताकि जो पानी सब्जियां धोते वक्त जो पानी रह गया था वो पूरा सूख जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तेल अलग हो गया है, अच्छे से पानी सूख चुका है। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक कि सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सब्जियां पूरी तरह से पक जाएंगे तब तक हमें इसे पका लेना है। बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे कुक कर लेना है। अब सब्जियां धीरे धीरे पकने लगी हैं और जो फ्राई कर रहे हैं हम वेजिटेबल्स, उसका भी कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। हमें पकने के बाद भी इसे फ्राई करते रहना है जब तक कि सब्जियां थोड़ा सा ब्राउन ना होने लगे, तभी कुंद्रू का जो टेस्ट है अच्छा लगता है। तो अब पूरी तरह से ऑयल अलग हो चुका है और सब्जियां भी पक के कलर चेंज हो चुका है। तो अब हमारा करी रेडी है। तो रेडी होने से जस्ट पहले अपने पसंद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालना है। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाला है। अब बस इसे मिक्स करके गैस ऑफ कर दें और लीजिए तैयार है आपका कुंद्रू संतला। ये एक ड्राई सब्जी है। सो एंजॉय विथ राइस और रोटी। थैंक यू।